रेवाड़ी जिले के गांव राजपुरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब युवक का शव पेड़ पर लटका देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना धारोड़ा में सूचना मिली थी और कि भाई राजेश ने जो मृतक है उसकी लाश मिली है, जिस पर पुलिस मौके पर गई और उसके बाद इसके वहाँ की जो जांच की गई और जो कंप्लेंट दी है उस पर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जैसी भी जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की। लेकिन सर, परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि हत्या करके उसे लटकाया गया, तो प्रथम दृष्टया में क्या पाया गया? प्रथम दृष्टया के अंदर ये हमने बोर्ड से इसका मेडिकल करवा रहे हैं और वीडियोग्राफी करवा रहे हैं और जो भी अगर मार्क ऑफ स्ट्रगल है बॉडी पर इंटरनली या बाहरी कोई भी होगा, उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्या आपने बताया कि 24 तारीख को इनका झगड़ा भी हुआ था पहले? हाँ, इनका पहले ये मेरे नोटिस में आया है कि इनका पहले, परंतु ये दोनों पक्ष अपनी सहमति से 2 दिन का समय लेकर गए थे और आज इनको बुलाया गया था। तो किन परिस्थितियों में कैसे राजेश की मौत हुई, इन सब के गहनता से और निष्पक्ष जांच की। क्या शक के आधार पर अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? हाँ, अभी इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है और पुलिस इस मामले में बजाय कोई ठोस कार्यवाही करने के लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। और फिर पुलिस केस भी हुआ जी। क्या वजह रही झगड़े के पीछे? आज जाना था जी फैसला के लिए। उनका झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? ये दारू को अगर झगड़ा करते थे, दारू की गाड़ी बकरे थे, घर आकर गाड़ी बकरे थे जी मेरे घर पे आके। कहाँ रहते हो आप? राजपुरा गांव के बाहर रहता हूँ जी, ये गांव में से गए हैं। अच्छा, कौन लोग थे मारने वाले? रमेश सरपंच जी, जिसने ये सरिया दिया जी 24 तारीख। राजपुरा का सरपंच है? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो आपके बेटे के साथ क्या कुछ किया उन्होंने? यही बस गाड़ी का लोच की लगाई थी। अच्छा, और लेवा की टिकट पर आज की बता दो, आज की। हाँ, जो आज हुई है, आज रात में जी पहली बार करने आए ढापिया का सरपंच कि भाई वो फैसलो ना करा। मैं भाई ना करा तो मत करा, मुझे कोई टेंशन को ना। फिर यो गांव में से 3 लड़का आया कि फैसलो जब करेगा बेटा, जब एक से एक काम खराब हो जाए। डोल रहा था शिव रतन, जो भी हुई 5-4 दिन हुआ, 2-3 दिन हुई। हाँ जी, जब वो आया था लालचंद कि मेरा ने तो जेल काटने की आदत आ गई, फिर जेल काट के आ जाए तुम अपनी ऐसी तेज खराब कर लो, क्या करो। फिर रात में जी हम सो का भीतर कुंडी लगा दी, हम सगला भीतर सो गया, ये बाहर सोया था चौक में खाट घाल के। मैं बीमार तो हुई नू, सबने सरिया से कुंडी लगा दी जी। सुबह ये लड़का खटावली से गया है, खटावली हता ये, इसने भारी कुंडी खोली है कि मकर कालन जगह नाम उसका था जिसे कालो कहता जी। देखा घाट में कुछ भी ना, फिर हमें इधर उधर ढूंढता डोला जी। फिर हमें 7:30-7:30 बजे पता लगा ये लटका। शाम में कह के गया था ना उत्तर, कहाँ मिला आपको बेटा? पेट में लटका जी, हमारा घर से 5 किलो, तो वो 5 किलो दूर कम से कम। क्या फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।